नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग सबरिंग के ऊपर एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं और वो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं भी लिखूंगा, फिर आपको समझाने स्टार्ट करूंगा। थ्योरम का बेनिफिट ये होगा कि हम लोग जिस तरीके से सबरिंग को चेक करते हैं, हम लोग अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी बना के चेक करते हैं और फिर अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं कि वो सबरिंग बनेगा या फिर सबरिंग नहीं बनेगा। लेकिन जो आज हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसकी मदद से एक बहुत छोटे से स्टेप को फॉलो करके हम लोग ये बता सकते हैं कि वो सबरिंग आपका होगा या फिर नहीं होगा। हमें वो बड़ी आठ की आठ प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी होगी उसे ही देख के हम लोग बता देंगे कि वो सबरिंग बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो इसका बेनिफिट ही होगा। और चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का नाम वो थ्योरम ऑन सबरिंग भी बोल सकता है, वो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फोर बिकम सबरिंग भी बोल सकता है, समझ रहे हो? मतलब नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन क्या है ताकि आपका सबरिंग बन जाए, और बस यही इसका नाम है। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाया जाएगा। और स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, ऑफ ए रिंग आर, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज ए सबरिंग, इज ए सबरिंग ऑफ आर, इज ए सबरिंग ऑफ आर इफ एंड ऑनली इफ एंड ऑनली इफ। फर्स्ट कंडीशन यहां पर आपसे बोलता है ए माइनस का बी बिलोंग टू एस, एंड सेकेंड कंडीशन आपसे बोलता है ए बी बिलोंग टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस। देखिए यहां पर थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो है, कोई भी एक जनरल नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, अपने रिंग आर का, आपके पास जो रिंग आर होगा आप उसका सबसेट लेके जाओगे और वो सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये समझ रहे हो? तो वही बात है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर अपने आर का इज ए सबरिंग ऑफ आर, वो आर का सबरिंग कहलाएगा। मतलब उस नॉन एम्प्टी सबसेट को ही तो हम नॉन एम्प्टी सबसेट को ही तो सबरिंग बोलते हैं आर का, तो उसने यहां पर वही लिखा हुआ है कि भाई वो नॉन एम्प्टी सबसेट आपका जो एस है वो अपने आर का सबसेट होगा और उसी को सबरिंग कहा जाएगा आर का, मतलब उसी सेट एस को सबरिंग कहा जाएगा आर का। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, मतलब फॉरवर्ड आगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों चलेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगा, नेसेसरी और ये कह सकता हूं कन्वर्स और वो दोनों चलेगा। मतलब और कंडीशन आपकी ये है कि अगर ए माइनस का भी बिलोंग करेगा इसमें, मतलब आपके पास कोई भी दो नंबर के लिए दोनों का डिफरेंस जो है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि ए बी का मतलब ए डॉट बी, जब आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका जो है वो बिलोंग करना चाहिए एस में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस। मतलब कोई भी एस आपके पास सबरिंग कहलाएगा आर का अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो। और इफ एंड ऑनली इफ लगा है इसलिए हम लोग कन्वर्स भी देखेंगे, तो कन्वर्स में ये आ जाएगा कि अगर a माइनस का भी, इफ a माइनस b बिलोंग कर रहा है s में और a b बिलोंग कर रहा है s में, तो वो s आपका सबरिंग होगा। क्योंकि हम लोग जो एग्जांपल करेंगे, अपने रिजल्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर हम लोग कन्वर्स वाले स्टेटमेंट ही देखते हैं। हम लोग वहां पर सिर्फ ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी a माइनस का भी बिलोंग कर रहा है उसमें s में और a b वो बिलोंग कर रहा है s में, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, वहां पर मैं साफ साफ कह दूंगा कि वो मेरा जो है सबरिंग बन जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, ये समझ रहे हो? तो यहां पर तो इसका भी पूरा प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट टाइम रिविजन देते हैं आपको कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी कोई भी सबसेट होगा एस, वो R का सबसेट होगा, तो उसी सबसेट S को सबरिंग कहा जाएगा R का अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि A माइनस B बिलोंग करे S में और A डॉट B, A B का मतलब A डॉट B बिलोंग करे S में, चाहे आप A और B कोई भी एलिमेंट उठा लो S का, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू S, ये आपको समझ आए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आपका सबरिंग बन जाएगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं और प्रूफ देखने के बाद पहले प्रूफ देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। आपको क्या गिवन है, आप पहले तो आप यहां से फॉरवर्ड कंडीशन देखेंगे, नेसेसरी वाली कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी वाली कंडीशन में यहां पर आप काफी अच्छे से देख सकते हैं
कि आपका एक क्या क्या गिवन है आपको कि एक भाई सबसेट है, वो सबसेट आर का सबसेट है और वो सबरिंग है, समझ रहे हो? मतलब आपको ये कंडीशन गिवन है, कंडीशन इज गिवन डेट, या फिर गिवन डेट, गिवन डेट ये हम लोगों को गिवन है कि एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, ये आपको गिवन है यहां पर कि एक वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एस आर का और वो एक सबरिंग है आर का, समझ रहे हो? एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफरिंग आर इज ए सबरिंग ऑफ आर, वो आर का सबरिंग है, इसका मतलब एस जो है वो आर का सबरिंग है, ये आपको गिवन है। तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है कि ए माइनस का बी बिलोंग करेगा एस में और ए डॉट बी बिलोंग करेगा एस में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस। अब देखिए ध्यान से, जब एस जो है वो सबरिंग है आर का, तो आप ध्यान से जानते हो सबरिंग होने का मतलब एस ने खुद रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। तो जैसे ही उसने रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, आपके पास एडिटिव क्लोजर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटिव तक सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये आपको समझ आया? आप देखिए किस तरीके से आप इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करोगे। सबसे पहली बात आती है एडिटिव क्लोजर वाली, मैं लिख देता हूं पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टी एस सेटिस्फाई करेगा, जल्दी जल्दी लिख दूंगा इस बार। एडिटिव क्लोजर, एडिटिव क्लोजर, एडिटिव एसोसिएटिव, समझ रहे हो? फिर यहां पर इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर उसके बाद इनवर्स एलिमेंट, फिर यहां पर कॉमिटेटिव, फिर यहां पर मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर, फिर यहां पर मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिव, और फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए कि आपके पास मान लो कोई भी दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए एस से और एस आपका सबरिंग है, इसका मतलब ये ए कॉमा बी जो एलिमेंट है वो एडिटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ए प्लस का बी भी बिलोंग करेगा एस में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एस आपका सबरिंग है, ये मुझे दिया है, तो जब वो सबरिंग है तो इसका मतलब उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, तभी वो सबरिंग बना होगा। और जब ये प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करी है तो मैं इन्हीं का यूज करके अपनी ये दोनों कंडीशन को प्रूफ करूंगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर, अगर कोई भी दो एलिमेंट मैंने जनरल पिक कर लिए ए कॉमा बी, तो ए प्लस का बी बिलोंग करेगा एस में, ये आपको समझ आया? अब यहां पर बात आती है आपको चाहिए माइनस का बी, तो माइनस का बी कब आएगा? जब बी की जगह मैं माइनस का बी लिख दूंगा, और आप जानते हो हर एक एलिमेंट का, चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लो ए बी सी, उसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास एलिमेंट ए है तो माइनस ए एग्जिस्ट करेगा, अगर आपके पास एलिमेंट बी है तो माइनस का बी एग्जिस्ट करेगा, अगर सी है तो माइनस का सी एग्जिस्ट करेगा। मैंने यहां पर एलिमेंट का नाम दिया है बी, तो फॉर एवरी बी आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी कॉमा बी बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज डेट माइनस का बी बिलोंग टू एस, माइनस का बी जो है वो बिलोंग करेगा एस में, क्योंकि कंडीशन आपका एडिटिव इनवर्स है, और एडिटिव इनवर्स का मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझ आया? तो बी का जो है इनवर्स माइनस का बी एग्जिस्ट करेगा। अब ए भी इनवर्स कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और माइनस का बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, देख सकते हो ना, ए एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और माइनस का बी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इस बार क्लोजर प्रॉपर्टी ए पर और माइनस के बी पर लगाऊंगा, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा ए, मैं यहां लिख देता हूं, रिजल्ट मुझे मिलेगा ए प्लस का माइनस बी टाइप का, ये आप समझ रहे हो, मुझे रिजल्ट ऐसा मिलेगा ए प्लस माइनस बी टाइप का, और यहां पर प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी माइनस लगा देगा तो कंडीशन आ जाएगा कि ए माइनस का बी भी बिलोंग करेगा एस में, और जैसे ही मैंने ए माइनस का बी बिलोंग करेगा एस में प्रूफ करा, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये आपको समझ आया? मैं लिख के समझाता हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी तक रफ में समझा रहा था, अब मैं उसको जनरल तरीका लिख के समझाऊंगा ताकि आपको काफी अच्छे से आ जाए। देखिए किस तरीके से आपके पास कंडीशन में गिवन है, क्योंकि एस एक सबरिंग है आर का, तो मैंने क्या करा, मैंने लिया लेट ए कॉमा बी जो दो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं एस में, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस का बी बिलोंग करेगा एस में, क्योंकि कंडीशन आपकी सबरिंग है और सबरिंग में एडिटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है। उसके अलावा मैंने क्या करा, फॉर ऑल, मैं जानता हूं इस चीज को काफी अच्छे से, फॉर ऑल बी कॉमा बी बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का बी बिलोंग टू एस, मैंने एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, वो सेटिस्फाई होगा क्योंकि वो सबरिंग है, सबरिंग होने का मतलब उसने ये आठ की आठ प्रॉपर्टी जो अभी मैंने लिखी थी वो सेटिस्फाई करी होंगी, ये आप समझ रहे हो, इसलिए बी बिलोंग कर रहा है एस के, तो माइनस का बी जो है वो भी बिलोंग करेगा एस में, ये आप समझते हो। अब मैं क्या करूंगा, अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी ए पर
और माइनस के बी पर लगाऊंगा, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तभी सब रिंग बनेगा, वरना सब रिंग नहीं बनेगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सब रिंग कहां से बनेगा, लेकिन वो सब रिंग बन रहा है, इसका मतलब उसने एडिटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिटिव क्लोजर बाय यूजिंग, लिख सकते हो बाय यूजिंग एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन ए कॉमा माइनस का बी। आप यहां पे समझ जाओगे कि ए प्लस का माइनस बी जो है बिलोंग करेगा एस में, मैंने ए और माइनस बी पे एडिटिव क्लोजर लगा दिया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ए माइनस का बी जो है वो बिलोंग करेगा एस में, तो आपके पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बहुत आसान थी। सेकेंड नंबर की कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है, क्योंकि सबरिंग में जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर में यही कहता है कि अगर एक भी बिलोंग कर रहा है एस में तो दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा एस में, सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी यही होती है। आप जानते हो, मैं यहां लिख देता हूं, आप जानते हो बिकॉज एस इज ए सबरिंग, क्योंकि एस जो है वो आपका सब, अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, क्लियर है, बिकॉज एस इज ए सबरिंग, क्योंकि एस जो है वो आपका सबरिंग है, इसका मतलब एस सेटिस्फाई, बिकॉज एस इज ए सबरिंग, दिस इंप्लाइज दैट सो, आप सो लिख सकते हो, इसलिए सो एस सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, एस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर, एस जो है वो मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और जब वो मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है एस में तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा एस में, और ये सिक्स्थ नंबर की जनरल प्रॉपर्टी भी है, सीधा सीधा बात करता है वो, सीधा सीधा ये कहता है कि ए भी बिलोंग करेगा एस में, सॉरी ए डॉट बी बिलोंग करेगा एस में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, ये सीधा सीधा सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, वरना उसे बताना चाहो तो बोल भी दो, क्योंकि बिकॉज एस इज ए सबरिंग, क्योंकि एस एक सबरिंग है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और जब ये मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू एस के लिए ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा एस में, और जैसे ही आपका ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में और ए डॉट बी बिलोंग कर रहा है इसमें, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, कंडीशन में आपका नेसेसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एस आपको सबरिंग था तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, ये समझ आया, तो नेसेसरी वाली कंडीशन तो हो गई। आगे बढ़ते हैं सफिशिएंट वाली पे, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब हम लोग सफिशिएंट वाली कंडीशन में देखेंगे और वहां पर सिर्फ इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके ये बताएंगे कि वो सबरिंग होगा, सबरिंग होने का मतलब वो आठ की आठ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा सिर्फ इन दोनों की मदद से। तो देखिए किस तरीके से, अब आएगा हमारा कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब बैकवर्ड चलोगे, बैकवर्ड बोल सकता हूं, कन्वर्स बोल सकता हूं, वही कोई सी बात है, कंडीशन फॉर सफिशिएंट, सफिशिएंट देखिए किस तरीके से, आपको सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी गिवन है, ए माइनस का बी बिलोंग करेगा एस में और ए बी बिलोंग करेगा एस में, गिवन डैट, लिख लो पहले, गिवन डैट ए माइनस का बी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, ये आपको गिवन है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, ए माइनस का बी बिलोंग कर रहा था एस में, मैंने क्या करा, अपने एक सेट एस से पहले ए लिया, लेट A belong to S, और अगली बार मैंने B नहीं लिया, मैंने B की जगह फिर से A ले लिया, मतलब मेरे पास कोई एक सेट होगा, सेट के अंदर कुछ इस तरीके से A, B, C, D, E इस तरीके टाइप के एलिमेंट होंगे, तो मैंने क्या करा, A के साथ अगला एलिमेंट B नहीं लिया, मैंने A के साथ A को ही पिक करा, क्योंकि ऐसा कर सकता हूं मैं, ये समझ रहे हो, ऐसा A के साथ मैं अगला एलिमेंट A लेके चल सकता हूं, तो रिजल्ट मैंने क्या करा, पहले A बिलोंग कर रहा है S के लिया और अगली बार फिर से ले लिया कि A जो है वो बिलोंग कर रहा है S में, अगली बार भी मैंने B की जगह A ही ले लिया, मैं खुद का खुद के साथ चेक कर रहा हूं रिलेशन, ये समझ रहे हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ वरना नहीं भी कह सकता, वरना मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मैं B की जगह B जो है B को रिप्लेस कर रहा हूँ A से, लेट B इज इक्वल टू, मैंने B का नाम भी A ही दे दिया, ये समझ रहे हो ना, जिसका नाम राम था उसको भी मैंने श्याम बोल दिया, जिसका नाम अमित था उसको भी मैंने श्याम बोल दिया, तो कंडीशन आपके पास A बिलोंग करेगा S में और मैंने B को रिप्लेस कर दिया A से,
तो क्या होगा कि आपके पास पहले भी ए लिया, अगली बार भी ए लिया, तो वो जानता है कि वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं कुछ भी एलिमेंट लेके चलूं, कोई भी दो नंबर लेके चलूं, वो तुरंत से ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे गिवन है। समझ रहे हो? कोई भी दो एलिमेंट मैंने पिक करा, मैंने मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, उस सेट में से मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाया, वो तुरंत ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे। ये आपको समझ आया? तो यहां पर अगर मैंने a belong to s लिया और फिर से a belong to s लिया, this implies that इस वाली प्रॉपर्टी से कह सकता हूं a माइनस का a जो है बिलोंग करेगा s में, this implies that जीरो बिलोंग करेगा s में। ये आपको समझ आया? मैंने a के साथ a ही ले लिया, तो मेरे पास a माइनस a इस प्रॉपर्टी से b की जगह मैंने a को रिप्लेस किया, बिलोंग करेगा एस में, दिस इंप्लाइज डेट जीरो जो है वो बिलोंग करेगा एस में। और जैसे ही जीरो एस में बिलोंग कर रहा है, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो चाहिए था और जीरो यहां पर आपको मिल गया। ये समझ आया? अब मैंने क्या किया, मैं इस चीज को काफी अच्छे से जान गया कि भाई जीरो भी एस में बिलोंग कर रहा है, जीरो जो है वो एस में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या करा, अगली बार ले लिया कि लेट जीरो बिलोंग टू एस, जीरो एस में बिलोंग कर रहा है, मुझे पता भी है। और आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है एक जो बिलोंग कर रहा है एस में, क्योंकि सेट आपका नॉन इनविटी है, जीरो बिलोंग कर रहा है एस में और ए बिलोंग ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एस में, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब इन दोनों पे फिर से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो इस बार मैंने ए की जगह जीरो लिया है और बी की जगह ए लिया है, तो मेरे पास आ जाएगा जीरो माइनस का ए जो है वो बिलोंग करेगा एस में। और जीरो माइनस ए का साफ साफ मीनिंग क्या है कि आपके पास माइनस का ए बिलोंग करेगा एस में। समझ आया? मेरे पास पहली वाली प्रॉपर्टी से जीरो मिला था, तो मैंने अगली बार जीरो का यूज करा कि जीरो बिलोंग कर रहा है एस में, और एक एलिमेंट और पिक करा ए, जिसका नाम दे दिया मैंने ए बिलोंग कर रहा है एस में। तो इन दोनों पे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और रिजल्ट आप देखोगे कि जीरो माइनस का ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एस में, दिस इंप्लाइज डेट माइनस का ए भी बिलोंग करेगा एस में। ये आपको समझ आया? और जैसे ही माइनस ए बिलोंग करेगा एस में, आपका इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपकी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सिंपल सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे देखिए, हर एक एलिमेंट ए के लिए उसका माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट ए के लिए माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने ए को बी से रिप्लेस करा, इसका साफ साफ मतलब है कि हर एक एलिमेंट बी के लिए फॉर ऑल बी कॉमा बिलोंग टू एस, बी बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज डेट माइनस का बी बिलोंग करेगा इसमें। मैंने नाम चेंज कर दिया बस, क्योंकि भाई सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट लिखा हुआ है ये ए, इस वाले ए को मैं ए के नाम से बुलाऊं, बी के नाम से बुलाऊं, सी के नाम से बुलाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस एलिमेंट ए, ए तो ये भी हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, समझ लो ना, ये एक सेट है, इस सेट में ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है। तो मैंने क्या करा, कोई भी जनरल एलिमेंट ए है, मैंने इस बार ए की जगह उसको बी नाम से बुलाया, तो वही बात है कि अगर बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो इस वाली कंडीशन से कह सकता हूं कि माइनस बी बिलोंग करेगा एस में, क्योंकि मुझे ये दो प्रॉपर्टी गिवन है और किसी तरीके से सबरिंग दिखाना है, और सबरिंग के लिए मुझे वो आठों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी, तभी मैं सबरिंग दिखा पाऊंगा, अदरवाइज सबरिंग नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहां पर बी बिलोंग कर रहा है एस में, दिस इंप्लाइज डेट माइनस का बी बिलोंग करेगा एस में। अब आप यहां पर एक काफी अच्छे से बात देख सकते हो कि मैं क्या करूंगा इस वाले नंबर, क्योंकि देखिए ए भी बिलोंग कर रहा था एस में, माइनस का बी भी बिलोंग कर रहा था एस में, इसका मतलब ए और माइनस बी पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस का माइनस बी। ये समझ आया? ये बिलोंग करेगा एस में, मैंने ए और माइनस के बी पे ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो ए माइनस के साथ माइनस का बी बिलोंग करेगा इसमें। अब ये माइनस माइनस रिजल्ट आपको प्लस दे देगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस का बी जो है वो भी बिलोंग करेगा कहां पर, एस में। और जैसे ही ए प्लस बी बिलोंग करेगा एस में, आपकी प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन है। आगे बात करते हैं एसोसिएटिव की। अच्छा देखिए, अगर ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो आप क्या करिए, इस बार अपोजिट ले लीजिए। आप जानते हो कि आप यहां पर मान लीजिए लेट बी बिलोंग कर रहा है एस में, ये समझ आया, और यहां पर बी की जगह आप माइनस का ए ले लीजिए। आप समझ रहे हो, मतलब पहले तो बी बिलोंग कर रहा है एस में, ठीक है, और यहां पर आपने देखा था कि माइनस ए भी बिलोंग कर रहा है एस में एंड माइनस ए बिलोंग टू एस, तो यहां पर बी ले लीजिए और माइनस का ए ले लीजिए, तो आप देख सकते हो बी और माइनस ए पे फिर से ये प्रॉपर्टी लगाओगे, तो आपको रिजल्ट क्या दे देगा, दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस के साथ माइनस का ए बिलोंग करेगा एस में,
मैंने पहले लेट कोई भी एलिमेंट लिया, बी बिलोंग कर रहा है एस में, माइनस ए मुझे यहां से गिवन था तो मैंने ले लिया बी बिलोंग टू एस एंड माइनस ए बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस माइनस ए बिलोंग टू एस, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि बी प्लस का ए बिलोंग टू एस, और जैसे ही बी प्लस ए बिलोंग करेगा एस को, आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, एडिटिव कॉम्यूटेटिव वाला, क्योंकि ए प्लस बी बिलोंग कर रहा था एस में और उसका अपोजिट कर दिया आपने, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, तो बी प्लस का ए भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए प्लस बी एंड बी प्लस ए से आप कह सकते हो कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दिस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, दिस कंडीशन लिख सकते हो आप, या फिर असिंपल लिख सकते हो दिस सेटिस्फाइज, या पहले समझा देता हूं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एस आपका जो है वो सबसेट है किसका, आर का, पहले तो एस आपका सबसेट है ना आर का, इतना तो आपको पता है, सबरिंग तो प्रूफ करना उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस जो है वो आर का सबसेट है, अब आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आर एक बड़ा सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने उसी के अंदर एक छोटा सा सेट ले लिया एस, तो वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एस के सारे एलिमेंट जो है वो आर के ही है, और आर जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अंदर लिखा हुआ छोटा वाला सेट भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, रीजन ये है क्योंकि एस के सारे एलिमेंट आर को बिलोंग करते हैं, ये आपको समझ आया, तो इसलिए आपका लिख सकते हो दिस सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिकॉज एस इज ए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज एस इज ए सबसेट ऑफ आर, क्योंकि जो एस है वो आर का सबसेट है, इसलिए वो एडिटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आप एलिमेंट को जोड़ेंगे रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है, और अगर आप प्रूफ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा अगर करना चाहें तो, क्योंकि आप मान लीजिए या फिर जनरल एलिमेंट आप इस चीज को समझ सकते हैं, वरना मैं क्या करता ए प्लस बी के साथ किसी तीसरे एलिमेंट सी को कंपोज करवाता, फिर अगली बार बी प्लस सी के साथ किसी तीसरे एलिमेंट सी को कंपोज करवाता, क्योंकि ए प्लस बी बिलोंग कर रहे हैं इसमें, मैंने मान लिया सी बिलोंग करेगा इसमें, तो दोनों को कंपोज करवाता, दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाता अगर करवाना चाहता तो, फिर अगली बार मैं क्या करता बी प्लस सी को लेता, मतलब ए को बी से रिप्लेस कर देता, बी को सी से रिप्लेस कर देता, उसको किसी अनदर ऑपरेशन अनदर एलिमेंट ए के साथ करवाता तो वो भी उसमें बिलोंग करता, तो वो क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो कि भाई अगर आपके सामने कोई बड़ा रिंग आर है तो उसके अंदर जो उसका छोटा सबसेट होगा एस, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एस के सारे एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हैं, अब आर ने अपने सारे एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो वो सारे एलिमेंट का मतलब उसने एस वाले के लिए भी, समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको, यहाँ पे मान लो ये आपके पास एक रिंग आर है, यहां दिख तो रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग R है, अब इस रिंग ने अपने हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, आप कोई भी तीन एलिमेंट उठाइए वो एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर देगा, तो मैंने क्या करा इसके अंदर ही कोई छोटा सा सबसेट ले लिया एस, तो जब ये इसके लिए भी कर रहा है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऐसे सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये छोटे वाला एस के लिए भी करेगा क्योंकि एस जो है वो इसी के अंदर आ गया आर के अंदर, मतलब अब जो एस के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे वही एलिमेंट है जो आर के थे, उसमें से कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है लेकिन बाकी एलिमेंट, मतलब एस के सारे एलिमेंट तो आर के ही एलिमेंट है ना, अब आर का एलिमेंट तो अपने सारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, तो सिंपल सी कंडीशन है कि एस वाला भी करेगा, तो वही रिजल्ट है आपका डिससैटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बिकॉज एस इज अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर के पास ज्यादा है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे छोटे वाला एस जो है वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एस पास जो है सारे के सारे एलिमेंट वही हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, और आर ने अपने हर एक एलिमेंट में कोई भी जनरल तीन एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो वो एस के लिए भी कर देगा, तो ये आपका ये हो गया। उसके अलावा आपके पास आना है मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाला, मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर आपको गिवन है कि भाई मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस के लिए, समझ रहे हो ना, आपको अगली इसे रफ करूंगा मैं, कर दूं ठीक है, आपको अगली प्रॉपर्टी के लिए ये प्रूफ करना था, पांच एडिटिव वाली तो प्रूफ हो गई है, आपको अगली प्रॉपर्टी के लिए मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाला प्रूफ करना था, तो मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाले के लिए, मल्टीप्लीकेटिव क्लोजर वाला
तो मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाले के लिए आपको ये दिखाना था कि ए भी बिलोंग करेगा एस में। अब ये तो आपको गिवन ही है, तो जब गिवन है तो उसे क्या प्रूफ करोगे, वो तो दिया हुआ है तो प्रूफ तो कुछ करना नहीं, तो ये कंडीशन तो आपको पता है। यहां से अगली बात आती है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाली, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाली। अब फिर से वही बात बोलूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है, इसका मतलब जब R जो है मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अंदर आए हुए छोटा वाला एलिमेंट S भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि S के सारे एलिमेंट वही है जो R के पास है। समझ रहे हो, मतलब S के सारे एलिमेंट R को बिलोंग कर रहे हैं, S जो है वो सबसेट है R का, तो इसलिए आपका जब R कर रहा है तो उसके अंदर आने वाला छोटा एलिमेंट S भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो वही सेम कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसी तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि R के कोई तीन एलिमेंट जो है वो वहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने मान लिया मेरे पास ये पूरा का पूरा एक R है। अब R के अंदर चाहे मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं, जनरल कोई भी एलिमेंट, इस लाइन पे आने वाला कोई भी एलिमेंट उठा लूं, कोई भी एलिमेंट, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मान लो वो एलिमेंट आपने कहीं से भी उठा लिए, वो सेटिस्फाई करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो कोई भी तीन एलिमेंट, कोई भी जनरल तीन एलिमेंट ए बी सी हो सकता है, तो वो यहां से लेकर यहां तक भी करेगा, क्योंकि वो कोई भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं। जस्ट मैंने अभी इस ऐसा बोला तो वो तीन एलिमेंट यहां पर भी आएंगे, इसका मतलब वो तीन एलिमेंट इनके बीच में आने वाले सारे के सारे उसके लिए, सारे के सारे एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एस जो है वो सबसेट है आर का। अब आर के सारे एलिमेंट देखिए मैं कैसे बोलूंगा, आर के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव सेटिस्फाई कर गए, R के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कर गए, इसका मतलब वो इस वाले के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव करेंगे, क्योंकि मैं इस लाइन को अभी और आगे बढ़ाता, देखिए ऐसे जब बढ़ा रहा हूं इसको ऐसे आगे, तो आप देख सकते हैं यहां से मैं इनके बीच में आया और फिर इनके लिए भी उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फिर आगे गया मैं, और मेरे को जस्ट इन्हीं के लिए चेक करना है, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब मैं लाइन को ऐसे आगे बढ़ा रहा था, इसका मतलब मैं इस वाले एरिया में आया, मैं इस वाले एरिया में अपनी लाइन्स लेकर आया, देखिए ना इस तरीके से जब आया तो इस वाले एरिया में अपनी लाइन को कवर करके गया, और जैसे ही इस वाले एरिया में अपनी लाइन को कवर करा मैं सबसेट वाली कंडीशन में आ गया, और सबसेट वाली कंडीशन में उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। आपको समझ आया, तो अब तो उम्मीद है मेरे को कि समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसने मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, और जैसे इसने ये आठ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी वो आपका सबरिंग बन गया। इसका मतलब इस वाली थ्योरम से फायदा हमें ये हुआ, अच्छा सफिशिएंट वाली कंडीशन प्रूफ हो गए, तो इस वाली थ्योरम से फायदा हमें ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग वहां पर सिर्फ दो प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सिर्फ ए माइनस बी वाली और सिर्फ ए बी वाली, और इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग सिर्फ इन दोनों को चेक करेंगे, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गई तो हम साफ साफ कह देंगे कि हाँ वो सबरिंग बन जाएगा। ये आपको समझ आया, वो सबरिंग आपका सिंपल सी कंडीशन में बन जाएगा। तो ये उसकी थ्योरम्स थी, बाकी आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो बीएससी में पढ़ता है, जिसको मैथ पढ़ना है, और बाकी चलिए ठीक है, अच्छा लगा तो आप पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय, और सब्सक्राइब प्लीज़।